स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, सुबह 9 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे सभी के साथ में। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे। जो लोग लाइव आ चुके हैं कमेंट करते चलेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न, जैसे कि आप लोगों को पता है हम आपको कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्लास का टाइम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सुबह 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और आपका रात में, ठीक है, रात में आपका 9 बजे और ही दोपहर में अभी जो है इसके बाद आपका 12 बजे दोपहर में चालू होगी क्लास। याद रखिएगा क्लास का टाइम। चलिए बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल आरजू जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है, ठीक है, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। चलेंगे, हाँ बिल्कुल सभी लोग आ चुके हैं, आरजू जी आ चुके हैं, स्वागत है। हाँ, जो लोग आ चुके हैं वो कमेंट करते चले, है ना, बिल्कुल सभी लोग। ऑल इंडिया ऑन सॉन्ग, बिल्कुल आप नए हैं, स्वागत है आपका। चलेंगे बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल अरविंद कुमार, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सभी लोग आ चुके हैं लगभग। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की थी, ब्लड ग्रुप। हाँ बिल्कुल 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 अरविंद कुमार जी आ चुके हैं, स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी लोग कमेंट करते चले और क्वेश्चन का आंसर भी। हाँ बिल्कुल, रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी, जी हाँ कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल पीयूष जैन। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बिल्कुल। हाँ तो बिल्कुल चलेंगे सभी लोगों के साथ आगे चलेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो कुछ का आंसर आ चुका है, डी आंसर आ चुका है, कविता जी आ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है कविता आपका। हाँ बिल्कुल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने आपके ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। यहाँ से ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो ओ जो है आपका सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है आपका सर्वग्राही होता है, ठीक है। दो चीज़ें आप लोगों को पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आरोही मूल किस में पाए जाते हैं, आरोही मूल जो होते हैं वो टिनोफोरा, ठीक है, तपरा या पाइपर बेटल या सिंघाड़ा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टिंकू साहा, बिल्कुल हाँ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है सभी को, गुड मॉर्निंग है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। कमेंट करते चलिए क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल विजेंद्र शर्मा, राम राम, जय श्री राम सभी को। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे सभी लोग, क्या होगा पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल विजेंद्र शर्मा, हाँ बिल्कुल गुड मॉर्निंग, बिल्कुल पता नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आरोही क्रम किस जो है किस में पाए जाते हैं, बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर सी पाइपर बेटल, ठीक है। पाइपर बेटल, ठीक है, एक प्रकार का जीव होता है ना, जैसे सिंघाड़ा एक प्रकार का जीव होता है ना, हाँ सिंघाड़ा, ठीक है, हाँ उसी प्रकार का है जो कि पौधी जीव है, ठीक है। जिस प्रकार से पौधा होता है सिंघाड़े का, उसी प्रकार से एक पाइपर बेटल होता है जो आरोही मूल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ान में सक्षम स्तनपायी कौन सा है ना, उड़ने में कौन सा स्तनपायी सक्षम है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। बिल्कुल KKD ने हमारे चैनल से जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल। तो यहाँ पर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, उड़ान में सक्षम स्तनपायी कौन सा है। बिल्कुल 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 टिंकू साहब, वीरल वायरल जी बिल्कुल, हाँ रोशन कुमार जी आ चुके हैं, स्वागत है, सभी का स्वागत है। डेली क्लास ज्वाइन करना है बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ जो होता है, बिल्कुल है ना, चमगादड़ स्तनपायी होता है जो कि उड़ने में सक्षम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से देखेंगे क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कांच को एक नीला रंग प्रदान करता है ना, नीला रंग जो कांच को प्रदान करता है क्या करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या निकल, ठीक है। बिल्कुल कल की क्लास में आप लोगों ने काफ़ी साथ दिया था, बहुत बढ़िया आप लोगों का रिस्पांस आया था, है ना। रिस्पांस को देखते हुए ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। बिल्कुल राहुल जी जुड़े हैं, स्वागत है, रुपेश जी जुड़े हैं, स्वागत है सभी का। बिल्कुल पीयूष जैन, कविता सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं उनसे कह दूंगा आपकी जो है एग्ज़ाम तक हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ए होगा, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड जो आपका कांच को जो नीला रंग प्रदान करता है वो कोबाल्ट ऑक्साइड है। बिल्कुल सनी कुमार आ चुके हैं, स्वागत है सर, नमस्ते, बेस्ट क्लास। बिल्कुल राहुल जाट, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से आलू का कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है। हाँ सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल
सभी को गुड मॉर्निंग है। क्लास पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। बिल्कुल हाँ, तो निम्नलिखित में से आलू का कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है? बताएंगे, तना, बीज, जड़ या फल। ठीक है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है हमारी क्लास में ये क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपका बिल्कुल तना जो होता है आलू और प्याज, ठीक है, आलू और प्याज जो होते हैं इन दोनों का जो है आपके तना जो है खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर छठवा, क्वेश्चन नंबर सिक्स बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सी धातु का उपयोग मूल अवस्था में जो है ना किया जाता है? ठीक है, कौन सी ऐसी धातु है जिसका उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है, मतलब उसकी जैसी अवस्था है उसी अवस्था में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन करके उसका उपयोग नहीं किया जाता। हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर आना चाहिए, स्पीडली आंसर करेंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भी आंसर आ रहा है कुछ का, एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम या जस्ता। ठीक है बिल्कुल, तो बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना, सोना। ठीक है, सोना जो होती है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो इसका भी एक जो है अयस्क होता है। ठीक है, अयस्क होता है, ये जब मिलता है तो अयस्क के रूप में मिलता है, जिसका अयस्क का नाम है बॉक्साइड, याद रखिएगा। ठीक है, क्रोमियम भी एक अयस्क के रूप में मिलता है, जिंक भी अयस्क के रूप में मिलता है। ठीक है, मेलकाइड जो है अयस्क होता है जिंक का, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आलू सोलेनेसी ग्रुप का है। हाँ, आलू सोलेनेसी ग्रुप का है। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, लोहा जो है आपको प्रकृति में सिर्फ जो है इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती, सोना में बदलाव नहीं होता है, है ना, सोने में का कोई अयस्क नहीं होता है, बिल्कुल सोना शुद्ध रूप में मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग फाइबर ब्लाइट किससे संबंधित है? बिल्कुल, रोग जो फाइबर ब्लाइट है आपका किससे संबंधित है, क्वेश्चन मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको स्पष्ट रूप से नज़र आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, रोग फाइबर ब्लाइट किससे संबंधित है? बिल्कुल बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर, सभी के आंसर स्पीडली आने चाहिए, स्पीडली आंसर। ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका एक मंथ बाद हो जाएगा, है ना, एक मंथ के अंदर आपका जो अभी अगस्त के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम, है ना, ग्रुप डी या NTPC दो में से कोई भी एक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सेब, ठीक है, सेब का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेयर ब्लाइट जो है आपका सेब से संबंधित है ना। हाँ, पहले NTPC का स्टेटस डाला है तो NTPC का हो सकता है, संभावनाएं हैं, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो एग्ज़ाम कभी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। रिजेक्ट जिनका फॉर्म हुआ है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म का एक लिंक जारी होगा जिसमें आप लोगों को मौका दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताएंगे क्या होगा। एक ही कॉलम में निहित तत्वों के खालिस्तान होते हैं, ठीक है, गुण समान होते हैं, विभिन्न गुण होते हैं, समान भौतिक गुण होते हैं या विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, एक ही कॉलम में, ये देखिए जो क्वेश्चन है ये आपका आवर्त सारणी से संबंधित है, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को। हाँ, आठवें का क्वेश्चन आंसर आना चाहिए ना। तो एक ही कॉलम में अगर गुण निहित है तो उसमें क्या होगा? बिल्कुल उसके गुण समान होंगे, है ना, ऑप्शन नंबर ए, उसके गुण समान होंगे अगर वह एक ही कॉलम में उसे रखा गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन 9, उच्च रक्तचाप का इस्तेमाल करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर। सर डिप्लोमा के क्लास कराते हैं, डिप्लोमा की कौन सी क्लास? ठीक है, डिप्लोमा में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं आपके, अभी तो रेलवे वालों के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है ना, बिल्कुल उस पर कॉन्सनट्रेट करना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। आप लोग देख के साहू जी जुड़े हैं, स्वागत है, ठीक है, समृद्धि गिल जी जुड़े हैं, ठीक है, सुमन गिल जी याद आ गए मुझे। हाँ बिल्कुल, 9 का आंसर आना चाहिए, रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, बताएंगे बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोलॉजिन, ठीक है, हाइड्रोलॉजिन या फिर हाइड्रोलॉजिन जो बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए हाइड्रोलॉजिन या फिर हाइड्रोलॉजिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे क्या होगा। आंतरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा वेलेज इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बीच आकर्षण के बल को कमी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सर फिजिक्स कैसे एग्ज़ाम होगा, NTPC या ग्रुप डी? पहले आपका NTPC ही हो सकता है ना, संभावना आपकी NTPC की है क्योंकि स्टेटस डल चुका है।
देखेंगे आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच आकर्षण के बल की कमी को क्या कहा जाता है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। दसवें का भी स्प्रिंग प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर आपका डॉपलर प्रभाव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बी आंसर आ रहा है, कुछ का डी आंसर आया है। हाँ बिल्कुल देखेंगे डॉपलर, ये सॉरी आपका परीक्षण प्रभाव जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव जो होता है अगर आपका आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो आकर्षण बल की कमी होती है ना, उसे आपका परिरक्षण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक एमिनो एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक जो है एमिनो एसिड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन रख रहा हूँ, ठीक है, एमिनो एसिड का निर्माण कौन करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एमिनो एसिड। ठीक है, बताएंगे एमिनो एसिड, क्वेश्चन नंबर 11 एमिनो एसिड। एएलपी ज्वाइनिंग, तो धीरे धीरे जो है आपकी अभी सभी एग्जामों की वो मतलब जोन के द्वारा। हाँ बिल्कुल, रणवीर जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। हाँ बिल्कुल, पीयूष जैन भी आ चुके हैं, बिल्कुल। हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, एमिनो अम्ल का निर्माण कौन करता है, एडिनाइट, टायरोसिन या फिर गुआसिन या फिर साइनोटोसिन। हाँ बिल्कुल, तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल आपका जो टायरोसिन है, ठीक है, टायरोसिन जो होता है ये आपका एमिनो अम्ल का निर्माण करता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे। एक कार के इंजन को नॉकिंग के बचाने के लिए कौन सा एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो नॉकिंग होता है आपका कार में, उसको बचाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। सभी लोग स्पीडली आंसर करेंगे ना क्वेश्चन का। एथिल एल्कोहल, ब्यूटेन, जो लेड ट्रेटा एथिल या फिर वाइस वाइट पेट्रोल, सभी के आंसर आने चाहिए स्पीड से, है ना। बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका एक कार के इंजन को नॉकिंग से बचाने के लिए इनमें से क्या एंटी नॉकिंग के एजेंट के रूप में काम करता है। हाँ तो बिल्कुल आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर लेड ट्रेटा एथिल जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है ना, आपके सामने चार ऑप्शन है जिसमें से एक फल है, कौन सा फल है, बताएंगे निम्न में से कौन सा फल है। 13वां क्वेश्चन नंबर 13 की निम्न में से कौन सा एक फल है, बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। 11 का सी भिंडी, देखिए आलू, मूली, भिंडी और शकरकंद। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे आंसर, एक फल है, आलू है, मूली है, भिंडी है या फिर शकरकंद है, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा थोड़ा सा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका भिंडी एक फल है, बाकी जो है ये जड़ें होती है ना, आलू, ठीक है, आलू तना होता है एक प्रकार की, जो जड़ अंदर होता है भूमि के अंदर, ठीक है, मूली और आपका शकरकंद, लेकिन भिंडी जो है आपका एक प्रकार का फल या सब्जी भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग ऑप्शन बोला जाए तो यहाँ पर फल क्या होगा, भिंडी होगा। ठीक है, भिंडी के पौधे का फल भिंडी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा। निम्नलिखित भौतिक मात्रा का आयाम समान है, ठीक है, किसका आयाम समान होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आयाम समान होता है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग साहब, हाँ रवि बघेल जी जुड़े हैं, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है सभी का। हाँ बिल्कुल साहब, गुड मॉर्निंग सभी को। निम्नलिखित भौतिक मात्रा का आयाम समान होता है, ठीक है, आयाम की अगर यहाँ पर बात करें तो गति, ऊर्जा, आवेग, काम और टॉर्क, स्थितिक ऊर्जा और रेखीय संवेग या कोणीय गति और काम, किसका आपका भौतिक मात्रा का आयाम जो है समान होता है। हाँ बिल्कुल, रविंद्र जी जुड़े हैं वर्धमान, बिल्कुल स्वागत है, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास को लास्ट तक देखिएगा बिल्कुल, तो कुछ आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो काम और टॉर्क, ठीक है, वर्क और टॉर्क का जो आपका आयाम होता है वो समान होता है, क्योंकि ये भौतिक आपकी मात्रा है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पूछा है कि आयाम समान होता है, तो आपका काम और टॉर्क, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नींद न आने की बीमारी किस कारण होती है। इम्पॉर्टेंट, भीम कुमार जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी लोग। कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे, नींद न आने की बीमारी किस कारण होती है। ठीक है, बिल्कुल
उर्मी जी जुड़े थे, बिल्कुल उर्मी जी। सर मेरा जीडी में 86 नंबर है, जनरल में मुझे CISF मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कॉन्सेप्ट करें। हाँ गुड मॉर्निंग, विपिन कुमार जी जुड़े हैं, स्वागत है सभी को, गुड मॉर्निंग। भीम कुमार का आंसर आ चुका है, बिल्कुल। हाँ उर्मी सिमरजीत गिल, बिल्कुल विपिन कुमार, सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नींद न आने के, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। नींद न आने की बीमारी क्या होती है, या मतलब कारण, बीमारी का कारण क्या है, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वेक्टन क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, वेक्टन क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन से लेके चल रहा हूँ जो कि दूसरे पेज में है, ठीक है, वेक्टन क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, गति, विस्थापन, वेग या टार्क। वेक्टन क्वांटिटी नहीं है तो बताएंगे क्या होगा, गति, विस्थापन, वेग या टार्क, ठीक है, वेक्टन क्वांटिटी जो होता है। गुड मॉर्निंग दीपक राठौड़ जी जुड़े हैं, स्वागत है ना। तो वेक्टन क्वांटिटी क्या होगा, गति, ठीक है, इसमें वेक्टन क्वांटिटी नहीं होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। हाँ बिल्कुल, कविता जी जुड़े हैं, स्वागत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आंसर, बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके, बिल्कुल। भीम कुमार, विपिन, रणवीर, टिंकू, सभी के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। तो टिक्का रोग है ना, मूँगफली, धान या सरसों, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा धान का भी टिक्का रोग होता है, सभी आंसर आ रहा है फिर तो आप लोगों का, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए क्योंकि मूँगफली का टिक्का रोग आप बोलते हैं ना, मूँगफली का टिक्का रोग, ठीक है। मैं ब्रश लेके आ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है इस वजह से, ठीक है। हाँ चलेंगे, देखिए अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था टिक्का, ठीक है। तो धान का आपका खैरा रोग होता है, याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, खैरा रोग, ठीक है, और मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है, ये याद रखिएगा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें, मैंने बता दी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है, ठीक है, मतलब आपकी जब आँखें साफ की जाती है तो उसमें कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। लाइव कौन कौन है उनका नाम लेना चाहूँगा एक बार, विपिन, भीम, रणवीर जाट, टिंकू साहा, ठीक है, विपिन कुमार, प्रियांशु, ठीक है, पीयूष जैन, कविता, कविता के एल, ठीक है, हाँ बिल्कुल, दीपक राठौड़, बिल्कुल, रविंद्र जी भी है, बिल्कुल सभी है, बहुत बढ़िया है ना, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे, सभी के आंसर स्पीडली आने चाहिए। उर्मी कौशिक, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर बात करें आई वास, मतलब आपकी जब आंखें साफ की जाती है, तो हाँ बिल्कुल, कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बोरिक अम्ल जो है, बिल्कुल बोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, बोरिक अम्ल जो है साफ करने के लिए आपकी आंखें को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर, ठीक है। उभयचर किसे कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर उभयचर की आपको डेफिनेशन दी गई है, तो बताएंगे उभयचर है बहुत तेज चलने वाले नार्वे, ठीक है, केवल बॉडी हम लोग, बिल्कुल हाँ, केवल पानी में रहने वाले जंतु, केवल भूमि पर रहने वाले जंतु, या जल और थल में दोनों समान रूप से रहने वाले वस्तु, ठीक है। तो उभयचर किसे कहा जाता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए स्पीड से, उभयचर किसे कहा जाता है, बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हाँ देखिए उभयचर आपका जल और थल दोनों में रहने वाले जो जीव होते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, जो जल में रहते हैं उसे जलचर कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा, आर्टिकल 35A क्या बोला था, बिल्कुल चलेंगे, है ना, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण का कम से कम कितना हिस्सा जो है किसके द्वारा होता है, ठीक है, यहाँ पर जो पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्धारण होता है कम से कम आधा हिस्सा किसके द्वारा होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का आधा हिस्सा किसके द्वारा होता है आपके प्रकाश, हाँ जी न्यूज SMS, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्धारण होता है, ठीक है, आधा हिस्सा किसके द्वारा होता है, ठीक है, शैवाल द्वारा, या फिर जिम्नोस्पर्म, या बायोफाइट्स, या फिर टेरिडोफाइट्स, ठीक है,
हाँ, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब मतलब उत्पादित होती है पौधों द्वारा, तो आधा जो हिस्सा होता है वो सिर्फ शैवाल द्वारा जो है निकाला जाता है, ठीक है। शैवाल द्वारा जो है निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का आधा हिस्सा, मतलब 1/2 हिस्सा जो है सिर्फ शैवाल निकालते हैं, बाकी फिर पौधे जो है मतलब जो 50% को पूरा करते, याद रखिएगा। पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, बताएंगे। पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया बताएंगे, पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर। बिल्कुल, इसके द्वारा दिया गया बताएंगे। पीएच स्केल किसने मतलब उसकी ये की थी बताएंगे, अहर्निश, ठीक है, ब्रोस्टेड, सोरेनसेन या फिर लेविस। हाँ बिल्कुल, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, यहाँ पर जो सोरेंस है, ठीक है, सोरेनसेन है, उन्होंने जो है पीएच स्केल का जो है मतलब स्थापना कह सकते हो या फिर आविष्कार कहा जा सकता है, ठीक है, तो पीएच स्केल की। हाँ बिल्कुल, बाबी देवल जी, ठीक है, स्वागत है बाबी देवल आपका, बिल्कुल। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, है ना। चलेंगे बिल्कुल, हाँ तो यहाँ पर आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। मुरिएटिक एसिड जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसे मुरिएटिक जो एसिड होता है इसे भी कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे क्या होगा। रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, ठीक है, अगर किसी पदार्थ के रासायनिक गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के आंसर आने चाहिए। देखिए, रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, किसी के रासायनिक गुण की अगर यहाँ पर बात की जाए, हाँ तो आपके बिल्कुल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जो ठीक है कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके अनुसार जो है उसके रासायनिक गुण पर निर्भर किया जाता है, या फिर उसको रासायनिक गुण को जो है मतलब उस पर क्या कहना चाहिए, एक्सपिसिफाई किया जाता है ना। हाँ तो आपको इलेक्ट्रॉन के अनुसार देखा जाता है कि उसके रासायनिक गुण है या नहीं है, इस बात का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आंसर क्या होगा, ठीक है। जाइलम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किस, हाँ सर, और कोई क्लास भी होती है क्या? नहीं, बिल्कुल जीएस करेंट अफेयर्स और साइंस, यही जो है क्लासेस चल रही है ना, तो आपको टाइम याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे सभी लोग, जाइलम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति करेंट अफेयर्स कभी 2 मंथली, हाँ बिल्कुल 6 मंथ का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, है ना, 6 मंथ का, पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में समृद्ध होती है, ठीक है, हाँ तो जाइलम की कोशिका भित्ति बनी होती है, बताएंगे किस में समृद्ध होती है, लिपिड, प्रोटीन, लिग्निट या स्टार्च, मतलब जाइलम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बिल्कुल, सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ बिल्कुल, तो जाइलम, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल जाइलम की जो कोशिका भित्ति होती है लिग्निट, ठीक है, लिग्निन की बनी होती है ना, लिग्निन, ठीक है, जाइलम कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन की बनी होती है, ठीक है, हाँ याद रखिएगा लिग्निन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल, जय हिंद अरशद अंसारी, जय हिंद, हाँ बिल्कुल सभी को जय हिंद। तो यहाँ पर मैंने बताया इस क्वेश्चन का आंसर, आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको आंसर ही दिख जाएगा ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये पूछा है मोरिस्टेम कोशिका का एक समूह है, ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप ही इनको बता, आप मैथ्स का क्लास भी चलाते हैं क्या सर? मैथ्स के लिए हमने सर कितना टाइम से कितना रहता है ऑनलाइन क्लास, 9 बजे से 1.5 घंटा आपकी क्लास रहती है, ठीक है, हाँ फिर याद रखिएगा रात में भी आपकी 1.5 घंटा 9 से, और फिर दोपहर में भी आपकी क्लास चलती है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन 25वां पूछा है इसका थोड़ा सा ये होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं तो डिफिकल्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी, ठीक है। मेरी स्टोम कोशिका का एक समूह होता है जो लगातार विभाजित होता है और नई कोशिकाओं को जन्म देता है, ठीक है। मेरी स्टेम कोशिकाओं का एक समूह होता है जो लगातार जो है विभाजित होते रहता है अलग अलग, और जो है नई कोशिकाओं को जन्म देता है ना, याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इम्पोर्टेंट है। आयनों का गठन किसके द्वारा होता है, ठीक है। सर वीडियो नहीं आ रहा है, हाँ आज से आ जाएगा, आज अभी जो है इस क्लास के बाद एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। वो वीडियो है प्रतिदिन सुबह आपको 7 बजे मिल जाएगा, लेकिन आज थोड़ा सा वर्क था इस वजह से वो वीडियो आप लोगों को अभी मिल जाएगा। इस क्लास के पास लगभग जो है 11 बजे वीडियो मिल जाएगा, ऑफलाइन वीडियो, और शाम के समय आप लोगों को 5 से 6 बजे भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, है ना। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप लोग, बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आयनों का गठन किसके द्वारा होता है, न्यूट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की वृद्धि, हाँ बिल्कुल 26 का सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पर बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, ठीक है, आयनों का गठन किसके द्वारा होता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो आयनों का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी लोग स्पीडली आंसर करिए यार, थोड़ा सा ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। देखिए मैं फिर से छोटा कर दिया हूँ क्वेश्चन को, बताएंगे आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं कि एडजस्ट नहीं हो पाते, इस वजह से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, और बड़े ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मिलान सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो जो मेसान की खोज हिरकी देवी युवाना, ठीक है, हिदे की युवाना, ठीक है। पॉजिस्ट्रॉन की खोज सी डी एंडरसन और यू एफ हेस, ठीक है। और यहाँ पर दिया सूर्य और तारों के ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया था, तो एच ए बेथे या फिर ट्रांसुरेनिको का विश्लेषण, जो एरिनिको फर्मी या फिर ट्रांसयूरेनिक तत्व, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट सर, डिस्क्रिप्टिव भी बता दीजिए। हाँ तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसुरेनिक, ठीक है, ट्रांसुरेनिक तत्वों का संश्लेषण, तो यहाँ पर जो गलत वाला जो है बिल्कुल डी के साथ जा रहा है, ठीक है, एरिनिको फर्मी ट्रांसुरेनिक तत्व, ठीक है। तो क्वेश्चन तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है, है ना। तो कुछ डिफिकल्ट टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, जो एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कभी नहीं बनते किसी से, है ना। तो वही क्वेश्चन शायद ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्या चीज़ है, ट्रांसुरेनिक तत्वों का संश्लेषण और ये एनारिको फर्मी, ठीक है, ट्रांसयूरिक तत्व। तो ये इसको मैं देख लूँगा, ठीक है, ऑफलाइन में आप लोगों को बता दूँगा क्या चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोब जड़ खालिस्तान है, ठीक है। प्रोब जड़ क्या होती है, मुख्य जड़, वसायुक्त जड़, शाखायुक्त जड़ या फिर आकस्मिक जड़। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, प्रोब जड़ होती है वो क्या होती है, मुख्य जड़ होती है, वसा जड़ होती है, शाखायुक्त जड़ होती है, आकस्मिक जड़ होती है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे सभी लोग, आंसर करते चलेंगे ना, स्पीडली आंसर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल सी आंसर आया हुआ है, रणवीर जगत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रोप जड़ जो होती है ना, याद रखिएगा क्या होती है यहाँ पर, बिल्कुल आकस्मिक जड़ जो होती है उसे प्रोप जड़ के नाम से जाना जाता है, हाँ बिल्कुल आकस्मिक जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 29 क्या बोल रहा है, एक अयस्क को हवा की उपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम पर गर्म करने को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक अयस्क है, है ना, एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर, हाँ टफ क्वेश्चन है, बन नहीं रहे, हाँ टफ है थोड़े से क्वेश्चन, लेवल जो है ऊंचा है थोड़ा सा क्वेश्चनों का। तो एक अयस्क है, जैसे आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, उसी प्रकार से एक अयस्क हुआ है जो हवा की अनुपस्थिति में जो है गलनांक बिंदु से कम पर गर्म किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ठीक है। रोलिस्टिंग, ठीक है, प्रगलन, विनयन या फिर निश्चूर्ण, ठीक है। थोड़े टफ क्वेश्चन है ना, हाँ बिल्कुल। देखिए टफ क्वेश्चन है तो संख्या कितनी कम हो गई ना, हमको ऐसा है कि मतलब आपको आसान क्वेश्चन चाहिए यार, ये बहुत गलत बात है ना, आसान क्वेश्चन चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप आसान क्वेश्चन की क्लासेस देखते हो और वहाँ पर आंसर दे देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा आंसर किया है और मेरी जो है तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो सभी लोग जो है बिल्कुल हो जाते हैं ढिस। हाँ
तो वही मैं बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन के लेवल के जो बारे में वही नहीं पता है कि क्या चीज़ें पूछना जाता है या नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये अगर बात करें एक अयस्क है जिसको हवा की अनुपस्थिति में गलनांक बिंदु से अगर यहाँ पर एग्जांपल बात करें, ठीक है, किसी का 600 गलनांक बिंदु है उसे हवा की अनुपस्थिति में उससे कम ही गलनांक पर जो है किया जाता है तो उसे निश्चूर्णन कहा जाता है। ठीक है, निश्चूर्णन, हाँ बिल्कुल। राधे राधे, रोहित चौधरी जी जुड़े हैं, स्वागत है। ठीक है, तो याद रखिएगा निश्चूर्णन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर की जो पसलियाँ होती है, ठीक है, कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, लोगों को ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो इजी हो, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है ले के चलते आपसे आंसर करते हैं, हाँ मेरा सही था, फिर इस प्रकार से कमेंट करते हैं। तो यार ये गलत चीज़ें हैं ना, अगर आपको आसान क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो हार्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ना होगा ना, वो कौन देखेगा फिर। बिल्कुल यहाँ पर आंसर आने चाहिए, बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं, 12, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, है ना, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको इजी क्वेश्चन मतलब पढ़ना है और हार्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने होंगे। कुछ क्वेश्चन तो इतने लंबे दे दिया जाता है कि जो पता ही नहीं चलता कि इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन तथा उनकी कमी के कारण होने वाले रोग से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कैल्सिफोराल, ठीक है, अस्थि मज्जता, ठीक है, या फिर नियासिन, पोलाग्रा, ठीक है, कोबालमिन जो है, पार्नियस एनीमिया, या फिर रिफ्लेबिन बेरीबेरी। ठीक है, तो आपके विटामिन्स के नाम दिए हैं, उनसे होने वाले रोग दिए हैं, है ना, बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट करेंगे। बिल्कुल डी आंसर आ रहा है, बेरी बेरी, रिफ्लोबिबिन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो विटामिन डी बिल्कुल सही था। ठीक है, विटामिन बी जो होता है बेरी बेरी का जो है होता है, ठीक है, हाँ रिफ्लेबिन जो है नहीं कहा जाता। ठीक है, हाँ बिल्कुल डी आंसर सही होगा। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को जो है समझना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, डहलिया में पाई जाने वाली जड़ है। ठीक है, डहलिया मतलब देखिए, डहलिया का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा एक डालिया कुछ होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बरगद की बात किया जाए यहाँ पर, ठीक है, बरगद की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो उसकी जो डालिया होती है, ठीक है, उसकी डालियों में जो है, हाँ डालियों में जड़ें निकल के आती है, तो उसको क्या कहा जाता है वह पूछा है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आप लोग सोचते हैं कि अब मैंने तो बहुत क्वेश्चन पढ़ा लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो 32 का आंसर बताएंगे सभी लोग, जो आपके डालियों के बीच जो, हाँ बिल्कुल रोहित चौधरी का आंसर आया हुआ है डी, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखेंगे जो डहलिया में पाई जाने वाली रूट फाउंड फॉर डालिया, ठीक है, हाँ तो रूट या जो आपकी जड़ होती है, हाँ तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पुलकित जड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पुलकित जड़ कहा जाता है। ठीक है, हाँ पुलकित जड़ कहा जाता है डहलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बड़ा कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, किसी भी तैलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि, ठीक है, जो तैलीय फर्श होते हैं उस पर चलना मुश्किल होता है, ऐसा क्यों होता है, है ना। तो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आंसर। ठीक है, ब्रश बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, तो चला जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, घर्षण बल बहुत कम होता है, इस वजह से आप जो है मतलब जहाँ पर तेलीय सतह या बर्फ होती है वहाँ पर नहीं चल पाते, है ना। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है। ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है, सरसों, धान, बाजरा या मूंगफली। ठीक है, ग्रीन ईयर फसल जो है किस मतलब ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हाँ बिल्कुल डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए यार, स्पीडली आंसर बहुत कम स्पीड से आते हैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन दिखाने के आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। तो ग्रीन ईयर ऑप्शन नंबर सी बाजरा से संबंधित है, याद रखिएगा बाजरा से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सा घटक श्वसन क्रिया में नहीं बदलता। ठीक है,
हवा में कौन सा यहाँ पर घटक है जो कि श्वसन क्रिया में नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से लेके चल रहा हूँ, श्वसन क्रिया में कौन सा घटक नहीं बदलता है, तो बताएंगे कौन सा घटक नहीं बदलता है कमेंट बॉक्स में। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प या नाइट्रोजन। ठीक है, श्वसन क्रिया जब होती है तो उसमें श्वसन क्रिया में इसमें परिवर्तित नहीं होता है। कौन सा तत्व है या कौन सा घटक है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया है बहुत से स्टूडेंट ने अभी भी। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखेंगे क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ये नहीं बदलता है श्वसन क्रिया में। ठीक है, श्वसन क्रिया में इस पर कोई भी प्रभाव या फिर आपका कहना चाहिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है, नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है। ठीक है, मतलब सभी जो एसिड होते हैं, जितने भी प्रकार के अम्ल होते हैं, उसमें एक आम तत्व होता है। ठीक है, आम तत्व का मतलब होता है कि कंपलसरी, है ना, कंपलसरी तत्व कौन सा होता है। आम मतलब मैंगो वाला आम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसका आम बताएंगे क्या होगा। ठीक है, कंपलसरी तत्व कौन सा है सभी एसिडों के लिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, कुछ के आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हाइड्रोजन होता है, जो आपके सभी जो अम्ल होते हैं उसमें कंपलसरी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश किस कारण से नीले रंग का दिखता है ना, देखेंगे क्या होगा, नीले रंग का आकाश क्यों दिखाई देता है। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन कर दे रहा हूँ छोटा, बताएंगे आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। नीला रंग सबसे अधिक फैलता है ना, नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है, या नीला रंग वातावरण द्वारा सबसे कम अवशोषित किया जाता है, या फिर लाल रंग वातावरण द्वारा अंत अवशोषित किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो बताना है नीला जो रंग दिखाई देता है आकाश का क्यों दिखाई देता है। ठीक है, हाँ हाँ प्रकाश के कारण, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि जो आपका नीला रंग है उसका ज़्यादा फैलाव होता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी, अगर आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा। ठीक है, तो इंद्रधनुष जब इस प्रकार से जब बनता है, ठीक है, तो जो नीला रंग होता है वो सबसे नीचे होता है, ज़्यादा वो जो है फैला हुआ दिखाई देता है ना। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई होती है ज़्यादा फैली हुई होती है। ठीक है, हाँ, तो सी आंसर कैसे आ गया भाई, नीला रंग वातावरण द्वारा सबसे कम अवशोषित होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, इसका फैलाव सबसे ज़्यादा होता है नीले रंग का, इस वजह से आकाश का रंग नीला रंग दिखाई देता है, और प्रकाश का अपवर्तन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आंसर, सभी के आंसर सी आए थे, क्या बात है। दो क्रमागत जो क्रेटर्स या क्रमागत ट्रोक्स के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो क्रमागत क्रेटर्स होते हैं या फिर ट्रोक्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, आयाम, ठीक है, वेवलेंथ, आवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्रेट्स मतलब यहाँ पर जो रूट होता है ना, रूट, ठीक है, जड़, जो जड़ होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपका नट है, इस प्रकार से उसमें चूड़ी बनी होती है, तो यहाँ पर पूछा है कि दो क्रमागत क्रेट्स है ना, हाँ, तो दो क्रमागत जो है क्रेट्स या फिर क्रमागत ट्रोक्स, ठीक है, मतलब जो आपका ऊपर वाला भाग है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी, मतलब इसे क्या कहा जाता है, यह इस प्रकार से क्वेश्चन है। हाँ, 38वां। ठीक है, बिल्कुल दो क्रमागत क्रेट्स या फिर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं कम होती है अगर अब मैं हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ तो। ठीक है, कल से जो है आप लोगों को लो क्वेश्चन, लो लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। क्वेश्चन कैसे लेके आऊँगा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, ऐसे क्वेश्चन लाऊँगा तो संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनने लगेंगे ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, तो ये बात जो है आपके किसी भी नट बोल्ट से संबंधित बात है ना, बिल्कुल, तो ये वेवलेंथ उसी में होता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ऑक्सीजन की खोज किसने की, बताएंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे आसानी से, ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन आसानी से सभी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, संख्या 20 व्यक्ति थे जब आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, इसी बात का बुरा लगता है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है, पर मतलब अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ,
ठीक है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, लेकिन आप लोग तो है साथ ही नहीं देते हो यार। ठीक है, 6 लोग दिख रहे हो लाइव, बताओ तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा तो हम, एक लोग भी अगर लाइव देखता है तो हम 1 घंटा लेके चलते हैं। ठीक है, हमारी कम से कम क्लास 1 घंटा होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की खोज बिल्कुल सभी को पता है। ठीक है, कार्ल सेले जो है उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो सभी से बन जाते हैं, उन्हें ऐसे क्वेश्चन चाहिए। फेफड़े खालिस्तान के प्राथमिक अंग है। ठीक है, पाचन के, कब्जे के, पसीना या फिर श्वसन। ठीक है, फेफड़े जो होते हैं किसके प्राथमिक अंग होते हैं, बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। हाँ सर, 4 सर 9 हो गए। हाँ चल, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या बढ़ जाएगी। जिनको क्वेश्चन के लेवल पता चल जाएगा ना कि क्वेश्चन सही में क्वेश्चन का लेवल ठीक है ना, आसान क्वेश्चन जो करवाते तो फिर ऐसा है सभी संख्या बढ़ा जाती है, ऑटोमेटिकली संख्या बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, डी आंसर आया है बिल्कुल। फेफड़े खालिस्तान के प्राथमिक अंग है तो याद रखिएगा किसके। ठीक है, फेफड़े, बिल्कुल डी आंसर काफ़ी आया है। तो श्वसन जो होता है, ठीक है, श्वसन आप करते हैं तो उसमें प्राथमिक अंग जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट। गुरु जी सीरियस क्यों हो रहे हैं? ठीक है, हाँ सीरियस नहीं यार, कभी कभी ना ऐसा सोचना पड़ता है फिर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर श्वसन बिल्कुल सही होगा, डी जिनका आंसर आया था बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फैराड खालिस्तान की एक इकाई है। ठीक है, फैराड, तो दो ऑप्शन में लेके चला, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या विद्युत चालकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फिर विद्युत चालकता, तो फैराड किसकी इकाई है बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या विद्युत चालकता बताएंगे, विद्युत चालकता। बिल्कुल हाँ, आंसर आने चाहिए क्या होगा, फैराड किसकी इकाई है, है ना। हाँ बिल्कुल, फैराड किसकी इकाई है, तो यहाँ पर बिल्कुल है ना, इलेक्ट्रॉनिक के जो, हाँ क्या बिल्कुल क्या था ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल, एक मिनट हाँ। ठीक है, फैराड क्षमता की इकाई होती है ना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। फैराड जो है क्षमता की इकाई होती है, क्षमता की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने अभिव्यक्त किया था। ठीक है, विकास का जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत था वो किसने दिया था, बिल्कुल सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया था। ठीक है, हंसले, डार्विन, लेमार्क या फिर ह्यूगो डे विल्स। ठीक है, हाँ डार्विन आंसर आया है बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल ह्यूगो डे विल्स जो है, ठीक है, ह्यूगो जो डे विल्स है, इन्होंने विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत अभिव्यक्त किया था, है ना, याद रखिएगा। डार्विन नहीं होगा आपका, विकास के उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को किसने अभिव्यक्त किया था। ठीक है, यहाँ पर अभिव्यक्ति जो शब्द आया है इसको ध्यान रखना है आपको, अभिव्यक्त किया गया था ये पूछा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। देखिए, ह्यूगो डी विल्स याद रखना है आपको, ह्यूगो, सॉरी सर आंसर थोड़े कम आ रहे हैं पर कोशिश कर रहे हैं, पहले नहीं पढ़े। हाँ बिल्कुल नहीं पढ़े हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर वहाँ पर एग्ज़ाम में आते हैं तो छक्के पंजे छूट जाते हैं सभी के। फिर देखिए, फोटोकॉपी मशीन को कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करती है, है ना। फोटोकॉपी जो मशीन है वो, वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, काफ़ी अच्छा तो दिखाई दे रहा है, BSc में पढ़ा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, हाँ ओजोन आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, तो आंसर करेंगे सभी लोगों को, फोटोकॉपी मशीन कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करती है। बिल्कुल, यहाँ पर ओजोन परत पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव करती है, इसलिए फोटोकॉपी कम करिएगा, है ना। बिल्कुल, ओजोन परत पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। किस विकास का मुख्य कारण है। ठीक है, विकास का मुख्य कारण क्या है, परिवर्तन, प्राप्त गुणवत्ता, योनि जन्म या फिर प्राकृतिक चयन। ठीक है, विकास का जो मुख्य कारण है वो क्या है, प्राकृतिक चयन, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ना। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपसे, प्राकृतिक चयन मतलब प्राकृतिक चयन, जो भी हम प्राकृतिक चयन करते हैं वो हमारे सही नहीं होते, इस वजह से विकास ज़्यादा हो रहा है ना। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, टाम्स उपकरण का उपयोग होता है। ठीक है, टाम्स जो उपकरण है उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाम्स उपकरण का उपयोग आपके ऑप्शन से लेके चला हूँ, बताएंगे। ठीक है, टाम्स उपकरण,
टाम्स जो एक प्रकार का उपकरण होता है उसका उपयोग कहाँ होता है बताएंगे? टाम्स उपकरण का उपयोग, बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर। टाम्स उपकरण का उपयोग वायुमंडल में ओजोन के मात्रा मापने में, वायुमंडल के प्रदूषण की मात्रा मापने में, वायुमंडल में CO2 की मात्रा मापने में, या वायुमंडल में वायु की प्रदूषणी की मात्रा मापने में। ठीक है, टाम्स उपकरण तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वायुमंडल में ओजोन परत की है ना, ओजोन परत की मात्रा को मापने के लिए टाम्स उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताएंगे क्या होगा। अल्फा विषाक्त पदार्थ किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ठीक है, अल्फा विषाक्त पदार्थ किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन छोटा कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस भी आ गए हैं। ठीक है, अल्फा विषाक्त जो पदार्थ है वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? कवक, शैवाल, जीवाणु या वायरस। अल्फा विषाक्त प्रभाव, ठीक है, जहरीले होते हैं ना। हाँ, अल्फा विषाक्त पदार्थ जहरीले होते हैं, तो ये किसके द्वारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब शैवाल जो है, ठीक है, शैवाल याद रखिएगा। ठीक है, शैवाल द्वारा जो है ये होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन शायद ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं, है ना। नहीं बनते हैं तो आप लोग क्लास छोड़ देते हो, एक बहुत गलत बात है ना। क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप क्लास छोड़ देते हो, ऐसा क्यों करते हो यार? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कभी पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो भारतीय है, तो प्रोफेसर के आर अमरनाथ। ठीक है, प्रोफेसर KR कोठारी, P कृष्णमूर्ति या फिर GP साहा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी के आंसर आने चाहिए। स्पीडली आंसर करेंगे सभी लोग, थोड़ा स्पीडली आंसर करिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ए आ रहा है किसी का, बी आ रहा है किसी का, सी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कंफर्म नहीं पता कि जो है यहाँ पर आपका मिस्टर ओजोन किसे कहा जाता है। तो यही बात तो है, मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रोफेसर KR अमर रामनाथ। ठीक है, प्रोफेसर KR, ठीक है, KR रामनाथ याद रखना है आपको, मिस्टर ओजोन। ठीक है, मिस्टर ओजोन किसे कहा जाता है? ठीक है, KR अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, फ्लूअर किसका आवरण है? ठीक है, प्लीयूर किसका आवरण है? प्लीयूर किसका आवरण है? लीवर, किडनी, हृदय या फिर फेफड़ा। ठीक है, किसके आवरण को प्लीयूर कहा जाता है? साइंस कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपकी मजबूत हो जाएगी साइंस। ठीक है, हाँ, प्लीयूर किसका आवरण है? यकृत, वक्र, हृदय या फेफड़ा। अच्छा, किसका जो पहले आंसर देता है उसका नाम लिया करो, चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा। ठीक है, फेफड़े का जो आवरण होता है उसे क्या कहता है? प्लीयूर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना, करके दिखाने और दिखा के करने में बहुत बड़ा अंतर होता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि करके दिखाओ, दिखा के बिल्कुल भी नहीं करना है कोई भी चीज़ हो, है ना। बिल्कुल, कमरे में फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, कमरे में, क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे आप लोग, जो है क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर डाल के दिया करो, तो ताकि मुझे पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। कुछ लोग पीछे से आंसर कर रहे हैं, अभी भी आंसर कर रहे हैं ना, इस वजह से। हाँ, बी आंसर आया है, कमरे में फॉर्मेल्डिहाइड प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? टारगेट विद राजेश का आंसर आया है बी, बिल्कुल। रोहित चौधरी, कविता, बिल्कुल हाँ, 9 का बी, बिल्कुल। रणवीर, बिल्कुल, सभी का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे फर्नीचर, ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड प्रदूषक जो फैलाते हैं वो फर्नीचर, ठीक है, रखे हुए फर्नीचर जो होते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड प्रदूषण फैलाते हैं, कमरे में रखे हुए फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर मत लेना दहेज में, ना, बिल्कुल प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा। इकोलॉजी को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, इकोलॉजी को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, हाँ बिल्कुल, इकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, इकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। हाँ, तो इकोलॉजी, अर्नेस्ट हिकस, जी, हाँ बिल्कुल। टारगेट विथ का नहीं आया है आंसर, वो हो आया आंसर है भीम कुमार, रोहित चौधरी, रणवीर, कविता, टारगेट विथ राजेंद्र, ए आंसर आया। हाँ बिल्कुल, MT जी आए हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका। पीयूष जैन का आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट हिकल। ठीक है, अर्नेस्ट हिकल ने आपका इकोलॉजी का सबसे पहले प्रतिपादन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति दांतदार व्हेल में सबसे बड़ी है? ठीक है, दांतदार व्हेल में सबसे बड़ी है मतलब आपकी जो व्हेल मछली में एक भी प्रजातियाँ होती है तो दांत के मामले में सबसे बड़ी कौन सी है। एक ऑप्शंस लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है, ये है हम्बेक। ठीक है, हम्बेक जो है बिल्कुल ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तीन ही ऑप्शन लेके चलना है, बताएंगे 11 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ठीक है, बी आंसर आ रहा है, ब्लू व्हेल। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पूछा है ना, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, स्पर्म व्हेल हो जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन को इसलिए दो बार पढ़ के आप लोगों को बताया कि दांतदार व्हेल, ठीक है, आपको पता है कि प्रजाति में सबसे बड़ी जो होती है स्तनपायी ब्लू व्हेल ही होती है, लेकिन यहाँ पर दांतदार मतलब दांत के मामलों में बिल्कुल स्पर्म व्हेल जो होती है ये सबसे बड़ी होती है ना, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मेरा सही है, पीयूष जैन, हाँ, रोहित चौधरी का भी सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यार आप लोग यहीं पर कंपटीशन करने लगे हो अभी से, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटिशन ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता? ठीक है, कौन है जो बच्चे देता है सीधे बच्चों को जन्म नहीं देता, ठीक है, अंडे देता है सिर्फ। ठीक है, इकिडना, कंगारू, शाही या व्हेल? ठीक है, मैं ब्रश लेके आ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में आंसर करें। ठीक है, सभी के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल। चलिए मैं ब्रश लेके आ गया हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर ए आ चुका है। ठीक है, इकिडना, ठीक है, इकिडना जो होता है ये सिर्फ आपका अंडे देता है, बाकी यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सिर्फ बच्चे को, कंगारू, शाही, ठीक है, या फिर व्हेल जो है बच्चों को जन्म देती है। देखिए सबसे पहली बात, अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहे ना तो ऑप्शन काटना अगर आप सीख गए हैं तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सील किसकी प्रजाति है? ठीक है, सील जो है किसकी प्रजाति है, चिड़िया, सरीसर्प, स्तनपाई या फिर मछली? सील, ठीक है, एक नई प्रजाति है ना, नई प्रजाति नहीं है, हमारे लिए नई प्रजाति है। ठीक है, हमने पढ़ा नहीं है तो हमारे लिए नई प्रजाति है, तो सील जो है किसकी प्रजाति है? सभी लोग आंसर करें, मछली आंसर आया है, बिल्कुल, पीयूष जैन, एमडी जागीर, टारगेट विद राजेंद्र का बी आंसर आया है, बिल्कुल, देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सील किसकी प्रजाति है, तो बिल्कुल स्तनपाई, ठीक है, स्तनपाई मतलब, हाँ बिल्कुल स्तनपाई, जन्म देने जो दूध पीने वाले, जन्म देने वाले जो जीव होते हैं, बिल्कुल सील ऑप्शन नंबर डी स्तनपाई की प्रजाति है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे क्या होगा। अखबार की स्याही में पाए जाने वाला जहरीला तत्व, ठीक है, हाँ जहरीला तत्व, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, शायद क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट तो लग रहे हैं लेकिन टफ भी लग रहे हैं ना, तो इम्पोर्टेंट है, लेवल क्वेश्चन है आपका, NTPC का ही लेवल है ना, बिल्कुल, थोड़ा सा देखिए ऊंचा लेवल का अगर आप पढ़ते हैं तो आपसे नीचे लेवल के क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, लेकिन अगर आपने नीचे लेवल का पढ़ा हुआ है तो आपके ऊंचे लेवल के क्वेश्चन कभी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल पीयूष जैन का आंसर ए आया है, बिल्कुल, MD भीम कुमार, बिल्कुल 14 का आंसर सभी का आ चुका है, बिल्कुल। ठीक है, नेप्थाइल माइन, ठीक है, नेप्थाइल माइन जो होता है एक प्रकार का जहरीला तत्व होता है जो आपके अखबार छापे जाते हैं ना उसमें उपयोग होता है, नेप्थाइल माइन, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनकोलॉजी किसका अध्ययन है, क्वेश्चन नंबर 15, सिनकोलॉजी किसका अध्ययन है। गुड मॉर्निंग सर, रोहित जी आए हैं, स्वागत है, काफ़ी लेट हो गए रोहित, आप लोग एक घंटा लेट हो गए आप, है ना, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल। अंकित शर्मा जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका, बिल्कुल। पीयूष जैन का आंसर आ चुका है 15 का डी, सभी लोग आंसर करेंगे 15 का क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है, सिनकोलॉजी कहा जाता है पारिस्थितिकी के जो अध्ययन को, हाँ बिल्कुल। रोहित केवट का आंसर आया हुआ था डी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल। कविता का आंसर, बिल्कुल पीयूष जैन, सभी के आंसर, अंकित शर्मा, सभी के आंसर आपके डी है लगभग। किस वस्तु की गति में परिवर्तन की दर खालिस्तान के बराबर होती है? ठीक है, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बताएंगे, क्षेत्र, दबाव, फोर्स या वेग? ठीक है, परिवर्तन की दर, वस्तु में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की दर बताएंगे क्या होगा।
परिवर्तन की दर को क्या जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? 16 का वेग, 16 का डी, 16 का डी, 16 का डी, 16 का सी आंसर है, फोर्स। ठीक है, ठीक है, वस्तु में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े नहीं, किसी वस्तु की गति को परिवर्तित की परिवर्तन की दर खालिस्तान के बराबर होती है। ठीक है, किसके बराबर होती है? फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, दबाव, दाब, ठीक है, दाब। ठीक है, देखिए कोई वस्तु, देखिए इसका जो मतलब मैं आप लोगों को, बल कहाँ जाता है, हाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। ठीक है, क्या हुआ, किसी वस्तु पर आपने जितना फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाया तो उसमें जितना परिवर्तन हुआ, अगर वो कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई थी तो वो यहाँ पर अगर आ गई है तो उसमें जिसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाया, बल लगाया गया है, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है? वो फोर्स के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ें हैं समझना, समझने का थोड़ा सा ये है। ठीक है, हाँ, बताएंगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, 17वां, सबसे बड़ा अकशेरुक है। ठीक है, देखिए कशेरुक और अकशेरुक, हाँ सॉरी, विस्थापन, प्रतिविस्थापन दर, वेग, हाँ ठीक है, तो वही बात है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीडली आंसर करने के चक्कर में आप लोग, सबसे बड़ा अकशेरुक, ठीक है, कशेरु और अकशेरु, तो इसको आपको पता होगा, जिसमें हड्डी जो होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है वो कशेरुक कहलाते हैं, और जिसमें नहीं पाई जाती वो अकशेरु कहलाते हैं। ठीक है, अकशेरुकीय, कशेरुकीय आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल आशीष MD, बिल्कुल हाँ आंसर आ चुका है। तो सबसे बड़ा अकशेरुक मतलब रीढ़ की हड्डी जिसमें नहीं होती वो सबसे बड़ा क्या होता है? ठीक है, स्क्वाइड, ठीक है, स्क्विड जो होता है, ठीक है, स्क्विड जो होता है, ये जीव होता है एक प्रकार का जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाती, ये सबसे बड़ा अकशेरुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, डाई बनाने में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? डाई, ठीक है, डाई जो होता है आपका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम, यूरेनियम, ओजो या नमक। ठीक है, डाई लगाते हो ना आप लोग, डाई, बाल काले करना है, अभी से सफ़ेद हो चुके हैं, डाई बनाने के लिए उसमें कौन से तत्व मिलाया जाता है, यौगिक मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 18वां, बिल्कुल, पूजा पांडे जी जुड़े हैं, स्वागत है पूजा आपका। तो बताएंगे डाई लगाना है, बाल को रंग बिरंगी करना है, इसमें क्या मिलाया जाता है, केमिकल? हाँ बिल्कुल, आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल ए आंसर आया है, कुछ का बी आंसर आया है, कुछ का सी आंसर आया है 18 का। तो डाई बनाने के लिए किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल ओजो, नमक, यूरेनियम या फिर क्रोमियम। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो ओजो नामक जो एक रासायनिक यौगिक होता है, ठीक है, ओजो नामक रासायनिक यौगिक का उपयोग आपका डाई में किया जाता है। ठीक है, अच्छा, GS बारेवार सर जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हमारे मित्र है GS बारेवार सर, इनके भी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस चल रही है जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, समुद्र की एक विशेष महक जिस पदार्थ के कारण होती है? ठीक है, समुद्र में महक आपने सुनी होगी, मैंने तो आप लोग आज तक जो है महक मतलब ग्रहण नहीं की या फिर अनुभव नहीं की, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, समुद्र में एक प्रकार की महक होती है, उसका कारण क्या है? तो डाईमिथाइल सल्फाइड, ठीक है, सोडियम फास्फेट या हिमोद्र, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बताएंगे डी आंसर आया है, GS बारेवार सर का आंसर, और GS बारेवार सर का आंसर सही आया है, मतलब आंसर डी ही होना चाहिए। चलिए सी आंसर आया, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आंसर होगा, है ना, हाइड्रोजन है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिएगा, अगर आपको हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है समुद्र में एक प्रकार की गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, थोड़ा सा छोटा करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव में जो है कौन सा अन्य तीनों के वर्ग से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो चार ऑप्शन है उसमें से तीन जो है एक वर्ग से या किसी न किसी तरीके से, अच्छा नाम तो बोल दीजिए, टारगेट विद राजेंद्र जी बोल रहे हैं, नाम तो बोल दीजिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए जो है तीन चीज़ें एक से समान हैं और यहाँ पर एक जो है अलग है। ठीक है, केकड़ा, घूर्ण, बिच्छू या मकड़ी। हाँ बिल्कुल, सभी के आंसर आने चाहिए, बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक केकड़ा बिल्कुल यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, केकड़ा, ठीक है, तो ये जो वर्ग होते हैं ना केकड़े का और जो मकड़ी, इनका जो वर्ग होता है ये वर्ग के अनुसार इसे डिफाइन किया गया है ना। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर ए आया था, बिल्कुल, भीम कुमार का
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दिया है क्लास है ना, वर्ग कौन कौन से वर्ग में आते हैं यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, हाँ बी कैसे होगा, घुन कैसे होगा क्वेश्चन। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, टारगेट विद आलोक को वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका केकड़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, हाँ बिल्कुल वॉइस नहीं आ रहा है क्या, आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जो संघ होते हैं यहाँ पर, जो संघ होते हैं संघ के अकॉर्डिंग जो है इसे डिफाइन किया गया मैंने जैसा। बी कैसे होगा यार, कैसे बी होगा ये बता दीजिए थोड़ा सा मुझे। ठीक है, ठीक है, देखिए ये तीनों जो है आर्चिनेडा जो संघ है इससे संबंधित है वो रखते हैं। ठीक है, और जो आपका सोल है, ठीक है, हाँ जो आपका कार्ब है, केकड़ा जाल और स्थल। अरे यार आप लोग तो बहुत छोटा सोच लिए हो, केकड़ा जल और स्थल दोनों में रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका, है ना। देखिए जो आपका क्लास में जो रखे जाते हैं, देखिए यहाँ पर मैं डिफाइन भी किया है क्लास ऑफ माइल। ठीक है, तो ये आर्चिनेडा जो क्लास है ये तीनों आर्चिनेडा में आते हैं, लेकिन ये अलग में आ रहा है ना। ठीक है, जो आपका केकड़ा है ये अलग में आता है, इस वजह से इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है केकड़ा भी बरसात में ही दिखेगा आप लोगों को, लेकिन बाकी चीज़ें हर समय दिखेगी, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, बिल्कुल प्लांक के स्थिरांक खालिस्तान के समान आयाम है। ठीक है, प्लांक के स्थिरांक होते हैं जो रेखीय गति, कोणीय गति, बल या फिर ऊर्जा के आयाम हैं, बताएंगे। ठीक है, मुझे तो बहुत डर लगता है केकड़ा से। हाँ ए होगा, बिल्कुल ए होगा आंसर। ठीक है, बताएंगे प्लांक के स्थिरांक खालिस्तान के समान आयाम है, किसके होंगे, बिल्कुल ए आंसर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है ए, रेखीय गति। ठीक है, रेखीय गति विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, प्लांक के स्थिरांक जो है रेखीय गति के आयाम के, मतलब के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा। सूर्य की चमकती सतह को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, सूर्य की जो चमकती सतह होती है, ठीक है, इस प्रकार से आपका सूर्य होता है जो कि चमकीली जो सतह होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है बताएंगे। चलिए सूर्य भी बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, चलिए कोरोना। बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो मुख्य जो बीच वाली सतह होती है ना, ये बीच वाली सतह होती है कोरोना, याद रखिएगा। ठीक है, फोटोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये जो सब चीज़ें हैं, तो फोटोस्फीयर जो होती है वो चमकदार सतह होती है। ठीक है, हाँ तो आपका कोरोना जो है मुख्य केरिट, ठीक है, केरिट जो होता है हाँ उस समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। क्रिया उच्च बनाने की क्रिया में परिवर्तन, ठीक है, क्रिया उच्च बनाने की क्रिया में परिवर्तन। ठीक है, तो तरल में ठोस, ठोस में तरल, गैस में ठोस या तरल में गैस, उच्च बनाने की प्रक्रिया होते हैं। ठीक है, प्रक्रिया तो तरल में ठोस, ठोस में तरल, गैस में ठोस, प्रकाश मंडल, हाँ दीप्तिमान सतह, प्रकाश मंडल, बिल्कुल तरल में गैस। ठीक है, एक प्रतिक्रिया है जिसमें उच्च बनाने की क्रिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, तरल में ठोस को उच्च बनाने की प्रक्रिया कहा जाएगा, तरल में तरल को बनाने को कहा जाएगा। ठीक है, ठोस में तरल या गैस में ठोस या तरल में गैस। ठीक है, हाँ तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो है ही, मैंने जा पहले ही कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस में, गैस से ठोस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको उच्च बनाने की प्रक्रिया या फिर उच्च परिवर्तन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिनका सी आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, गैस में ठोस को बनाने को जो है उच्च बनाने की प्रक्रिया। पूजा पांडे कहाँ से हो, अरे यार कहीं से भी होंगे, आप लोग पढ़ाई कीजिए ना। टिक्स और मैक्स वास्तव में है। ठीक है, टिक्स और मैक्स जो है कहाँ से है बताएंगे, मैं भी कहाँ से है पूछ रहा हूँ। ठीक है, टिक्स और मैट्स वास्तव में क्या है। ठीक है, अर्चिंड, ठीक है, क्रस्टेशियन कीट या फिर मायरियापाइड। ठीक है, तो ये आपकी जातियाँ होती है। ठीक है, सभी इतने प्रकार के जीव है। बी आया है टारगेट विथ राजेश का आंसर, बी आया है, देखेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। टिक्स और मैट्स जो है वास्तव में क्या है। ठीक है, तो किस प्रकार, क्या चीज़ें हैं, किसकी प्रजातियाँ हैं ये, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अर्चिंड, ठीक है, अर्चिंड की जो है ये प्रजाति है टिक्स और
मिट्स, ठीक है, मैट्स जो है आपका अर्चिंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किस जीवधारी के लिए मुक्त ऑक्सीजन विषैली होती है? ठीक है, अगर मुक्त ऑक्सीजन है तो उसके लिए विषैली होगी, कौन सा है ऐसा? लाइकेन, कवक, वायवीय जीवाणु या फिर अवायवीय जीवाणु? ठीक है, मुक्त अगर ऑक्सीजन हम मनुष्यों के लिए तो है बहुत वरदान होती है, लेकिन ऐसे भी जीव है जिनके लिए मुक्त जो ऑक्सीजन है वो प्राणवायु जो होती है विषैली होती है। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे वीडियो को। ए आया है आंसर, हाँ बिल्कुल यहाँ पर आंसर डी होगा। ठीक है, अवायवीय जीवाणु, ठीक है, जो वायु में जीवाणु नहीं रहते और गलती से अगर वायु में आ गए, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे, वो उनके लिए विषैली गैस हो जाएगी वो एक प्रकार की, ठीक है, ऑक्सीजन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त चूसने वाले जीव है? केंचुआ, जोंक, तिलचट्टा या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, कौन से रक्त चूसने वाले जीव है? बिल्कुल टारगेट विथ राजेश का आंसर आया है बी। ठीक है, बताएंगे सभी लोग। 26 का बी, बिल्कुल जोंक, ठीक है, जोंक बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लीच कहा जाता है इसे, ये आपका खून चूसने वाले जो है जीव होते हैं, ठीक है, लेकिन केंचुआ और तिलचट्टा ये नहीं होते हैं खून चूसने वाले। ठीक है, खून चूस ले तू मेरा खून चूस ले, इस प्रकार से। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27, निम्नलिखित में से किस तकनीकी द्वारा जो है फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है? है ना, फोटोस्टेट जो मशीन है किस तकनीक से कार्य करती है? सत्ताईस नंबर, ये क्वेश्चन मेरे समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। फोटो स्टेट मशीन, ठीक है, मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, ठीक है, थर्मल इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोलास्टिक इमेज मेकिंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग? ठीक है, फोटो स्टेट मशीन होती है एक प्रकार की, ठीक है, हाँ, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है ये पूछा गया है ना, किस तकनीक से द्वारा मतलब काम करती है। तो बिल्कुल 27 का सी काफ़ी लोगों का आंसर आया है, तो इलेक्ट्रोलास्टिक इमेज मेकिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलास्टिक इमेज मेकिंग जो है इसके अंतर्गत इसको मतलब काम में लाया जाता है या फिर इस सिद्धांत पर ही काम करती है, ठीक है, इस तकनीक से काम करती है क्योंकि इलेक्ट्रोलास्टिक में इमेज जो होता है, ठीक है, उसके अनुसार ही काम करती है। नो आइडिया सर जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, कार्य के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो बताएंगे बिल्कुल प्रति यूनिट समय पर बल, अधिक दूरी पर बल, ठीक है, प्रति इकाई दूरी पर बल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होगा आंसर? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ना, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओ जी सर, हाँ बिल्कुल। तो बताएंगे कार्य के रूप में परिभाषित किसे किया गया है? बिल्कुल यहाँ पर अधिक दूरी पर बल, ठीक है, अधिक दूरी पर बल, हाँ बी बिल्कुल सही होगा, अधिक दूरी पर बल कार्य के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। कंडक्टरों का खाली स्थान प्रतिरोध होता है, ठीक है, कंडक्टर जो विद्युत का होता है, ठीक है, बस का नहीं, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है? ठीक है, ऊँचा, कम, इंटरमीडिएट या फिर अज्ञात? ठीक है, ज़्यादा होता है, कम होता है, सामान्य होता है या फिर पता नहीं किया जा सकता? हाँ 29 का बी बिल्कुल कम होता है ना, लो होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। जड़ता का क्षण निर्धारित करता है, ठीक है, जड़ता का जो क्षण है वो निर्धारित करता है, वेक्टर, स्केलर, फेसर या टार्क? जड़ता का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्षण या नियम बात एक ही है ना, मोमेंट, नियम अलग है, मतलब जड़ता के समय उस मेरा सही हुआ है ना सर, हाँ बिल्कुल पूजा पांडे सही हुआ है, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति नहीं है यार ये, बिल्कुल आप अपने आप में देखिए कि आप कितने सही करते हैं, दूसरे को बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कितने सही किया हूँ कितने गलत किया हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, जड़ता का जो क्षण है वो टार्क, ठीक है, टार्क निर्धारित करता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक है, परमाणु के नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हाँ न्यूट्रॉन ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आंसर। बिल्कुल पीयूष जैन, हाँ बिल्कुल
गिल का आंसर आया है, पूजा पांडे का आंसर आया है, टारगेट विथ राजेश का आंसर आया है, ठीक है बिल्कुल। हाँ तो देखिए ऑप्शन नंबर डी काफ़ी आ रहे हैं। परमाणु के नाभिक की अगर बात किया जाए, हाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना, बिल्कुल सी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो आंसर बन जाएगा आपके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो कि प्रोटॉन धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, बिल्कुल यमडू जागीर का आंसर आया है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, घड़ी में क्वार्टर्ज जो इस क्रिस्टल का काम किस आधार पर होता है, ठीक है, जो घड़ी होती है उसमें क्वार्टर्ज स्क्रिप्ट का जो मतलब काम होता है किसके आधारित होता है, पीजो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, एडिसन प्रभाव या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव या फिर जॉनसन इफेक्ट, ठीक है। तो घड़ी भी जो है इलेक्ट्रॉनिक भी बाहर होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं आपके। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद अगर आंसर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है, घड़ी में क्वार्टर्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है, क्वार्टर्ज क्रिस्टल का आधार, ठीक है, घड़ी में भी जो है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये होगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, पीजो जो वैज्ञानिक थे उनके इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण मतलब अनुसार जो है ये घड़ी में क्वार्टर्ज क्रिस्टल काम करता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अपने आप घूमते रहती है घड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा, किसी तरल पदार्थ में निलंबित कणों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोई तरल पदार्थ है और आपको उसमें निलंबित या फिर घुले हुए कण को मापना है तो किसका उपयोग किया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ए आंसर सही आया था, 32 का आंसर ए सी बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, गिल एमडी जागीर पीयूष जैन पूजा पांडे कविता और टारगेट का आंसर गलत था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी, ठीक है, किसी तरल है, किसी तरल पदार्थ में निलंबित कण या फिर उसमें विलय हुए हुए जो कण है उसको मापना है आपको, हाँ ठीक है। पायरोमीटर, देखिए पायरोमीटर क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका उच्च तापमान मापा जाता है ना, बिल्कुल पायरोमीटर आंसर नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। नेफेटोमीटर जो है, ठीक है, नेफेटोमीटर जो है इससे आपके किसी तरल पदार्थ में निलंबित कणों की मतलब संख्या या फिर उसकी स्थिति, ठीक है, उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डेविड ह्यूजेस ने आविष्कार किया था, ठीक है, देखिए बताएंगे डेविड ह्यूजेस ने किसका आविष्कार किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर, डेविड ह्यूजेस ने किसका आविष्कार किया था। स्पीडली आंसर आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन जो आप सुनते हैं ना, हाँ बिल्कुल डेविड ह्यूजेस ने उसका आविष्कार, हाई टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर मेजरमेंट्स क्या होता है, पायरोमीटर, देखिए हाई जो मेरे मतलब तापमान होता है ना आपका, जैसे सूर्य का तापमान मापना है आपको, किसी भट्टी का तापमान मापना है, जैसे अगर कहीं पर लोहा बन रहा है, कोई धातु पिघल रही है, तो वहाँ का जो तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है ना, हाँ पायरोमीटर, हाई मतलब बहुत हाई जो तापमान, ठीक है, थर्मामीटर जो जिसमें काम नहीं आता है वो तापमान आपका मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा, प्रति सेकेंड रेडियम की इकाई है, ठीक है, प्रति सेकेंड रेडियम की इकाई क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर क्या होगा, हाँ 60,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक, हाँ बिल्कुल, बताएं कि क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट, 60 सेकंड अधिक, हाँ बिल्कुल सभी लोग कमेंट करते चलेंगे ना, बिल्कुल तो आंसर आ चुका है, ठीक है। प्रति सेकंड रेडियम की इकाई क्या है, कोणीय वेग या फिर कोण वेग जो है, प्रति सेकंड रेडियन की इकाई है कोण वेग, ठीक है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 36वां क्वेश्चन है, ठीक है, साइफन काम करने में विफल रहेगा, ठीक है, साइफन जो है वो काम करने में विफल रहेगा कब, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्थिर दिखे, क्योंकि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लंबे हैं, है ना, तो यहाँ इंग्लिश में भी दिया है इस वजह से। तो साइफन काम करने में कब विफल रहेगा, इसके दोनों अंग असमान लंबाई के है, ठीक है, या फिर दोनों जहाज़ों में तरल पदार्थों का तापमान समान है, या दो जहाज़ों में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर है, और दो जहाज़ों में तरल के घनत्व बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ, साइफन होता क्या है, ठीक है, तो साइफन क्या होता है इस बात को देखिएगा, जो जहाज होते हैं ना
तो उसमें आप जो तेल का स्तर, ठीक है, या फिर ईंधन का स्तर मापने का उपकरण होता है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर पूछा है साइफन कब काम करना बंद कर देगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दो जहाज़ों में तरल का स्तर समान ऊंचाई पर अगर है तो वह, हाँ बिल्कुल सही है सी। तो अगर दो जहाज़ों में जो आपके तरल का जो स्तर है वो समान है तो यहाँ पर ये यह काम करना बंद करेगा, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो छोटा कर दिया था ना क्वेश्चन इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे क्या होगा, छोटा कर दे रहा हूँ ताकि स्पष्ट रूप से सभी को दिख जाए, ठीक है। तरल या गैस की विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है, ठीक है। हाँ, सिफन, हाँ बता दिया ना मैंने सिफन क्या होता है, ठीक है। तरल का गैस की जो विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाएगा, बताएंगे, क्रिस्टल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, या फिर टर्मिनल वेग, या फिर विस्फोट बल, ठीक है, सभी के आंसर आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका क्लास का भी टाइम हो चुका है 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, और 4 से 5 मिनट रहेंगे, उसके बाद क्लास भी ऑफ हो जाएगी आपकी, फिर मिलेंगे हम आपसे। हाँ बिल्कुल, सभी नागों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा चलेंगे, ठीक है, जस्ट जो बताएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर विस्को, ठीक है, विस्कोस बल जो होता है, बिल्कुल ठीक है, विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है, ठीक है, तरल और गैस के बीच जो विरोध होता है। हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन बताएंगे, बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, बार किसकी इकाई है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम भी आपसे लेंगे विदा, 12 बजे मिलेंगे दोपहर में। इम्पोर्टेंट सर, आपकी क्लास कब से चल रही है, हमारी क्लास बहुत दिन से चल रही है, ठीक है, क्लास नंबर आपकी 41 है, ठीक है, जो कि अभी स्टार्ट की है, लेकिन इससे महीने पहले हमने 1 महीना फिर जो है क्लास चलाई थी, जिसमें फिर 1 महीने के लिए जो है बीच में भी बंद हो गई थी क्लास, मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, इसलिए सर फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, 12 बजे आ जाइएगा, क्लास भी अब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो बार किसकी का, ये बिल्कुल आपका दबाव, ठीक है, दबाव बार में मापा जाता है दबाव को। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विमान में ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, और वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, है ना, वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा बस। बिल्कुल, तो विमान की ऊंचाई ओडोमीटर, एमीटर, अल्टीमीटर या एनीमोमीटर, तो बिल्कुल सी, अल्टीमीटर से आपकी जो विमान है उसकी ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। बिल्कुल, कविता का आंसर आया था पीयूष जैन, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ओडोमीटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मेरी और पियरे क्यूरी ने आविष्कार किया था, दोनों पति पत्नी थे, ठीक है, काफ़ी पति पत्नी अभी जो है मतलब काफ़ी वो कर रहे हैं, ठीक है, एक मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के पति पत्नी है, जिन्होंने जो है पति पत्नी ने ही फर्स्ट और सेकंड रैंक लाई है, ठीक है, UPSC, ठीक है, उनकी कोई एग्ज़ाम थी उसमें उन्होंने फर्स्ट और सेकंड रैंक लाया है, ठीक है। तो ऐसी भी जो है पत्नी मतलब बहुत ही मोटिवेशन होता है ना। बिल्कुल, रेडियम 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 मेरी, हाँ बिल्कुल, रेडियम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा। तो रेडियम ने खोज रेडियम की खोज की थी, ठीक है। तो ठीक है, एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चलेंगे, मिलते हैं आपसे सर, आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, बिल्कुल रेगुलर चलेगी हमारी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट का जो क्लास होगी आपकी, है ना, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कितने बजे, 12 बजे दोपहर में, ठीक है, 12 बजे दोपहर में होगी, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, सभी को नागपंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, त्यौहार में कुछ नहीं रखा है। हाँ बिल्कुल, मिलेंगे फिर 12 बजे, सभी लोग आइएगा लाइव, इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, बाय बाय, सभी को बाय, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल चलेंगे, ठीक है, सभी को बिल्कुल बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ बाय दोस्तों, सभी को नागपंचमी की शुभकामनाएँ, याद करिएगा, परिवार के साथ नागपंचमी मनाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।